आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के सर्किट हाउस में आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बैठक किया। ये बैठक महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और इसके रोकथाम को लेकर किया गया। इस बैठक में कमिश्नरेट के सारे एसीपी और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर थाने स्तर पर सुनवाई न होने से काफी नाराज दिखी। उपाध्यक्ष महिला आयोग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 40 वर्ष के ऊपर आयु की महिलाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत हम लोग काउंसलिंग करेंगे और विशेष तौर पर उनको ट्रेनिंग देंगे। वहीं वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति हिंसा की बात की जाए तो लंदन में 32% है। हर देश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है, लेकिन हम भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में काफी संवेदनशील है और गंभीरता से ले रहे हैं। सारे अधिकारियों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। समय समय पर इसकी बैठक कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वाराणसी से न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। मैडम, ये किस प्रकार का बैठक किया गया? महिला आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस जिले में जाती हूँ, वहाँ पर मैं जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षा के विभाग हो, चिकित्सा का विभाग हो, पुलिस का विभाग हो, हमारी कल्याणी महिला कल्याण विभाग हो, हर विभाग के चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हम वहाँ के ऑफिसर्स को बुलाते हैं और उनका एक बैठक रखते हैं, जिसमें कि हम उनको पूछते हैं कि क्या क्या काम वो लोग कर रहे हैं, सरकार की कौन कौन योजनाएं वो चला रहे हैं और किस में कितना उसमें परेशानी है या क्या जो भी है उनकी परेशानी भी सुनते हैं और साथ ही साथ सजेशंस भी देते हैं और जो हमें खामियां नज़र आई हैं और जो करप्शन हमको सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। बिल्कुल प्राइवेट ये मीटिंग रखते हैं, जिसमें मैं डायरेक्टली उनसे कह सकूँ हर डिपार्टमेंट की किस में मैंने क्या पाया है और वो उस पर फिर एक्शन ले सकें। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है। और सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर भी हम लोग जोर देते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके उसको और पॉपुलराइज़ करें और उस महिला को लाभ दें। लगातार महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का मामला वाराणसी में बढ़ता आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वाराणसी सिर्फ ऐसा जगह नहीं कि जहाँ उत्पीड़न बढ़ रहा है, ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप लंदन जाएँ चाहे अमेरिका जाएँ चाहे अफ्रीका जाएँ, हर जगह महिलाओं का उत्पीड़न एक तरह से, इसलिए कि लोगों की सोच नहीं बदल रही है, लोगों में संस्कार नहीं रह गया है, लोगों में छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक उनकी जो होनी चाहिए दिमागी कंडीशन, जिसको कहा जाए कि एक तरीके से बैंक्रप्ट हो गए, मेंटली बैंक्रप्ट जिसको कहा जाए, क्योंकि वो लोग सोच नहीं पाते हैं कि आज जो महिला आपकी पत्नी है, कल उसके साथ या बहन है उसके साथ भी ऐसा बात हो सकता है, ऐसी हादसा हो सकती है। तो ये जो सोच नहीं बदल रहा है, इसे युवा वर्ग से ही हम लोग को बचपन से ही बच्चों को उसे खाना पड़ेगा। और कहीं भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ की, अभी अभी हमारी कमिश्नर पुलिस से मुलाकात हुई और वो भी बता रहे थे कि लंदन में 32% घरेलू हिंसा आज भी टू दिस डेट प्रेजेंट है। तो आप सोचिए कि लंदन ऐसे बड़े जगह में ये बिस्तर और बहुत बुरी तरह से है, ये सबसे दुख की बात है। तो ये जो है ऐसा नहीं है, अमेरिका से लेकर हर जगह, इंडिया में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह ऐसा बढ़ रहा है और इसके लिए महिला ही को जिम्मेवार होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे महिला सास बन जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।